ये है दुनिया के सात सबसे खतरनाक कुत्ते। कोकेजियन शेफर्ड। कोकेजियन माउंटेन्स में पाए जाने वाले ये कुत्ते 100 किलो तक वजनी और काफी खूंखार स्वभाव के होते हैं। आमतौर पर ये कुत्ते गुस्सैल स्वभाव के होते हैं और अपना एरिया बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये ब्रीड आमतौर पर बर्फीले इलाकों में देखने को मिलती है। अच्छी ट्रेनिंग वाले कोकेजियन शेफर्ड को बतौर पैट रखना आपको एक शानदार फील तो दे सकता है, लेकिन इसे पालने से पहले आपको ये भी जान लेना चाहिए कि एक वेल ट्रेंड कोकेजियन शेफर्ड यदि अग्रेसिव मूड में आ गया तो इसे रोक पाना नामुमकिन के बराबर काम है। टोसा इनू। इस ब्रीड को जापान में एक फाइटर डॉग के रूप में तैयार किया गया और आज भी टोसा इनू डॉग फाइटिंग में सबसे अव्वल दर्जे का शिकारी बताया जाता है। जिद्दी स्वभाव और ताकतवर जबड़ों वाली इस ब्रीड को पालने पर अमेरिका सहित कई अन्य देशों में प्रतिबंध भी लग चुका है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा ये वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो के अंत में अपने फेवरेट डॉगी का नाम कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रेजा कैनेरियो। डेयरी फार्म्स में जानवरों पर गार्ड के रूप में काम करने के लिए तैयार की गई ये ब्रीड घर में पालने योग्य बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कई केसेस में देखा गया कि प्रेजा कैनेरियो ने अपने से प्यार करने वाले लोगों पर भी हमला कर दिया और उन्हें सीरियस इंजरीज देकर उन्हें नुकसान पहुंचाया। फिला ब्राजीलेरो। इस ब्रीड को ट्रैकिंग एबिलिटी यानी चीजें ढूंढने की क्षमता, अग्रेसिवनेस और स्मार्टनेस के लिए जाना जाता है। खतरनाक होने के साथ साथ यदि सबसे होशियार कुत्तों की बात करें तो फिला ब्राजीलेरो को इस लिस्ट में नंबर एक पर रखा जा सकता है। फिला अपने शिकार पर सीधा हमला करके फेल होने की बजाय शिकार का वेट करता है और पूरा पकड़ में आने के बाद हमला करता है। कई जगह पर फिला को लोग अपने डेयरी फार्म्स में गार्ड की जगह पर भी काम में लेते हैं। रॉटविलर। 50 से 60 किलो वजनी और 2.25 फीट तक की हाइट वाले रॉटविलर ब्रीड आमतौर पर डोमेस्टिक कुत्ते माने जाते हैं, लेकिन रॉटविलर को पालने से पहले आपको इसके खूंखार रूप को भी एक बार तो जरूर जान लेना चाहिए। रॉटविलर स्वभाव से खूंखार और कम पेशेंस वाली ब्रीड होने के कारण काफी बदनाम है। रॉटविलर किसी भी बात को इग्नोर नहीं करते और बेहद जल्दी हमला कर देते हैं। ऐसे में अच्छी ट्रेनिंग के बिना रॉटविलर जैसे कुत्ते को घर में रखना समझदारी का काम बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। डोगो अर्जेंटिनो। इस ब्रीड के कुत्तों को इनकी मस्कुलर बॉडी लैंग्वेज के लिए भी पूरी दुनिया में जाना जाता है। डोगो अर्जेंटिनो को अर्जेंटीना में पैदा किया गया और ये खतरनाक ब्रीड जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए तैयार की गई थी, लेकिन आजकल इन कुत्तों को अच्छी ट्रेनिंग देकर एज ए पेट रखना भी काफी पसंद किया जाता है। डोगो अर्जेंटिनो को यदि अच्छी ट्रेनिंग और एक अच्छा केयरिंग मालिक मिले तो ये कुत्ते अपने मालिक के लिए जान भी कुर्बान कर सकती हैं। द वुल्फ डॉग। वुल्फ और कुत्ते को मिलाकर तैयार की गई इस ब्रीड को किसी भेड़िए से कम ताकतवर और खतरनाक समझना काफी बड़ी गलती साबित हो सकती है, लेकिन वफादारी के मामले में इस ब्रीड में एक कुत्ते का असर भी देखने को मिलता है। बता दें कि वुल्फ डॉग को फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया और वर्जीनिया समेत कई देशों में जंगली जानवर मानकर एज ए पेट रखना प्रतिबंधित है। इन कुत्तों को मोस्टली जंगल सफारी के लिए काम में लिया जाता है। वुल्फ डॉग फुर्ती के मामले में भी बाकी कुत्तों से काफी आगे है। इस ब्रीड को यदि आप अपने घर में पालना चाहते हैं तो आप ये काम वेल ट्रेंड वुल्फ डॉग लेकर आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।